स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, एडमिशन ओपन, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज, एडमिशन ओपन। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट फैशन मॉल, 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद अब 14 अप्रैल तक घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए छूट रहेगी। राशन, दूध, सब्जी, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी और लोग बिना भीड़ भाड़ लगाए एक एक करके खरीदारी भी कर सकेंगे। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पर जब रसोई की फिक्र उठी तो पलामू उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने इसका समाधान भी कर दिया। जिले में पूर्णतः तालाबंदी के दौरान राशन दुकान के संचालकों को उपायुक्त ने निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री बेचने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के इस पहल से जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो पाएगी। जिला प्रशासन द्वारा रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले आवश्यक सामग्रियों की एक निश्चित दर निर्धारित की गई है, जिसके तहत उसना चावल 28 रुपये किलो, गेहूं 25 रुपये किलो, आटा 28 रुपये, चना दाल 80 रुपये, रहल दाल 95 रुपये, मूंग दाल 115 रुपये, उड़द दाल 100 रुपये, मसूर दाल 75 रुपये, लाल चना 60 रुपये, चीनी 42 रुपये, गुड़ 45 रुपये, सरसों तेल 110 रुपये प्रति किलो, वनस्पति 105 रुपये प्रति किलो, रिफाइन तेल 110 रुपये प्रति किलो, पालम ऑयल 90 रुपये प्रति किलो, चाय पत्ती खुला 350 रुपये प्रति किलो, सुधा दूध का रेट 50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, वहीं आलू 30 रुपये प्रति किलो, प्याज 50 रुपये प्रति किलो, टमाटर 30 रुपये, नमक 15 रुपये प्रति किलो और मटर 40 रुपये प्रति किलो मिलना तय किया गया है। पलामूवासी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर बेचने वाले दुकान के संचालकों की शिकायत जिला कंट्रोल रूम में आपूर्ति पदाधिकारी को कर सकते हैं, जिनके नंबर 065-62-222-077 और 82-94-04-10-10 है। इसके अतिरिक्त जिलावासी अपने अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारियों को भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उपायुक्त ने आवश्यक सामग्रियों के विक्रेता को सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया है। दुकान से 1-1 मीटर पर बॉक्स का निशान अंकित किया गया है। ग्राहक इन बॉक्स के निशान के भीतर ही अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। विक्रेता अपनी दुकान के आगे होम डिलीवरी की सुविधा के साथ अपना मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करेंगे, ताकि कम से कम लोगों को अपने घरों से निकलना पड़े। सब्जी दुकान वाले एक दूसरे विक्रेता से कम 20 फुट की दूरी पर दुकान या ठेला लगाएंगे। वे लोग भी होम डिलीवरी के लिए अपना फोन नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। उपायुक्त ने पूर्णतया तालाबंदी के दौरान प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाकर इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।